अरे यार किसी बात की देख रहा है हारे यार चलो देखेंगे। ए कौन है तुम लोग अब? और मेरा रास्ता इस तरह से क्यों रुक गया? चलो मेरे रास्ते से हट जाओ। सियाने तुझे मालूम नहीं रास्ता रोकने का क्या मतलब होता है? ये रघु उसको बताए रास्ता रोकने का मतलब क्या होता है। ये फाइट किसी हीरो का था या किसी फिल्म की हीरो का? मुझे माफ कर दीजिए, ये ना किसी हीरो का था और ना किसी जीरो का था, ये तो आपका था बस। मुझे माफ कर दीजिए। अब आया समझ में? हाँ चलो निकलो, फिर इस एरिया में कभी दिखाई नहीं देना। सोल सोनार का और एक लोहार का। हमारे साथ लड़की कौन है? तो भैया ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये ना रामू तेरा लोगे पानी का क्या? आप यहाँ लेके आ रहा हूँ। थैंक यू रामू। राहुल भैया मैं बाहर जाके आ रहा हूँ। ठीक है भैया आइए, जरा जल्दी आ जाइएगा। अपने बड़े भैया भी बहुत मजा कर रहे हैं। भाई जरा दो मिनट जाके आता हूँ, तुम बैठो फिर हम लोग जाएंगे। अरे रॉकी, अरे देखते यार, अरे यही लड़का है। क्या चल है? उस दिन तो बहुत बोल रहा था, आज बोल के बता रहा। क्यों रे तुम भी लोग तरह उस दिन क्या बोल रहा था? भाई ना हीरो का है ना जीरो का, ये तो आपका है सर, आपका राय। ना जीरो का होगा ना हीरो का, ये फाइट रियल होगा। रियल जल्दी यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत मारूंगा तेरी को। तू मुझे मारेगा अभी तुझे बताता हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, चलो बाहर चलो, यहाँ झगड़ा मत करो, बाहर जाके झगड़ा करो। पहले मैं तुझे देख लूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले यार आज पानी पी ले यार। तो देखता भूल गया यार? नहीं यार ऐसा नहीं। कैसे है? बहुत अच्छा। पर बता यार कोई काम धंधा है कि नहीं?
इधर मैं देख रहा हूँ साहब, ऐसे आपका क्या होगा उधर फिल्मी स्टूडियो फिल्म शूटिंग में लग रहे थे। ओ वो, अरे यार क्या बताऊँ, ये फिल्म वाले कहीं काम नहीं देते, कहीं पैसे लेते और बेकूफ बना देते, फिल्म में काम दे तो आ जाना चाहिए। डायरेक्टर के बारे में बोल रहे थे ना, बहुत अच्छा काम मिलने वाला है वहाँ पे, वो तो शायद अच्छा है यार, बात हुई थी ना मतलब तुम्हें। हाँ वो तो ठीक है, आज मैं शाम को जाने के लिए प्लानिंग बनाया हूँ उनके पास। अरे राहुल तुम जा रहे हो तो आओगे कब यार, इतना तो बता दो यार। राज यह तो वहाँ जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा यार, अगर काम अच्छा मिल जाएगा तो एक दो महीने के बाद आ जाएंगे, वरना एक साल भी लग सकता। ठीक है राहुल मैं चलता हूँ। ठीक है यार, मुझे पहुँच के फोन दे देता ना। हाँ यार क्यों नहीं यार, ठीक है यार राज मिलते हैं। भाई ये ताजा खबर है। क्या ताजा खबर? वो क्या ताजा खबर? होटल में बम्बई आ रहे, रास्ते में चप्पल आते हैं। वही राहुल आना जो होटल में मिला था, चलो उसका बम्बई भी साक्षात कर देते हैं। मालिक गरीब के लिए कुछ मदद कीजिए। क्या हुआ मालिक? अरे यार बस किया कुछ बता मालिक, दो महीना पहले क्या तुम उन लोगों को पहचान लोगे? हाँ मालिक, एक बार उनको मैं देख लूंगा ना, मैं जरूर करता हूँ। मालिक इस शहर में आप अजनबी हैं, कहाँ जाएंगे? पता नहीं मेरे को, यहाँ से सफर शुरू हुआ वही रोक जाऊंगा। अजीब सकते हैं। एक बात पूछवा, आप इस शहर में अजनबी हैं, गरीब देखते होंगे मगर गरीब कभी नहीं देखते। आप मेरे साथ चलिए मेरे घर पर, इतना दिन रहना। थैंक यू मेरे दोस्त, तुम्हारा ये आसन ठीक है। बहुत अच्छा है दोस्त, बहुत अच्छा है, आपका गैस बहुत अच्छा है। थैंक यू दोस्त, तुम्हारा यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, यह मेरा वादा है।
नमस्ते सर जी। राहुल तुम कैसे आना हुआ? आओ बैठो। अरे आप ही ने तो कहा था सर जी कि मैं नया फिल्म बना रहा हूँ, तुम मेरे ऑफिस में आके मिलो। अब आप ही बताइए कौन सा सीन दे रहे हैं मेरे लिए। राहुल काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाना होगा। क्यों नहीं सर जी, मैं हैप्पी करके दिखाता हूँ। अब देर किस बात का, कैसे दिखाओ? मेरे पिताजी का एक सपना था कि वो मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा देशभक्त बनाएंगे, लेकिन तुमने मुझे एक देशद्रोही बना दिया। ठाकुर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर तेरे इसी तरह के साथ साथ तेरे सारे परिवार को चला कर बांटना था जी। ओ भाई हाँ या मेरा वादा है। बस मेरा दोस्त तुमने कमाल का एक्टिंग किया तुमने, आज से समझो तुम स्टार बन ही गए। तुमने कमाल का एक्टिंग किया, ये लो राहुल तुम्हारा एग्रीमेंट लेटर मेरा आने वाली फिल्म में। तो चलते हैं सर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट शूटिंग में। ओके सर बाय। अरे विजय राव कुमार है क्या? कहाँ है तू? अरे राहुल तू आ गया मेरे भाई। बैठ सब्जी पका रहा था, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों जन साथ में खाएंगे। अरे विजय तुम जानते हो मैं आज बहुत खुश हूँ। क्योंकि डायरेक्टर मेरे एक्टिंग देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने क्या कहा जानते हो कि तुम एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनोगे। बस एक बार अपना पिक्चर रिलीज हो जाने दो फिर देखना। अरे राहुल पिक्चर पिक्चर छोड़, रात बहुत हो गई, चल खाना खा लेते बाद में बात करेंगे। लाओ यार निकालो जल्दी भूख लगे। खाना खाओ। तो आओ बैठे। अरे राहुल तुमको पिक्चर मिल गया दोस्त, पैसा कमाओगे, सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले विजय मैं तो तुम्हारे पैर का इलाज कराऊंगा, उसके बाद एक अच्छा सा घर ले लूंगा और फिर हम लोग एंजॉय करेंगे और क्या। जो रॉकी भाई वो जो राहुल का दोस्त है ना राज, मुझे वहाँ घूम रहा है। चलो पीछा करो साले का, कहाँ तक जाता है। बचाओ। जिसे तुमने एमपी से लेके रखा मुंबई छांडाला व आज तेरे सामने खड़ा, पता क्या करना चाहते हो? मेरे फोन पे अगर इतने ही नोट है तो अजमा ले आते, वरना सारी जिंदगी अफसोस करता रहना पड़ेगा। अच्छा हुआ तुम आ गए आज यहाँ पर, आज तुम यहाँ से बच के जा नहीं सकते। मारो रही से। तो किधर गया हो? इधर मर देखो, पकड़ के लाओ साले को। किधर गया साला? यार किधर? कौन तुम लोग? मेरे घर में क्या हो रहा है?
फोन लगाएगा? लगा, पुलिस को फोन लगा, लगा पुलिस को फोन। ये तुझे क्या हो गया दोस्त मेरे? किसने किया बताओ, बताओ मेरे दोस्त। मैं तेरा कसम खा कर कहता हूं दोस्त कि तेरे खून के एक एक बूंद का बदला उस युवक के कुत्ते से लूंगा। मैं वादा करता हूं। हाँ रॉकी, मैं आ रहा हूं साले। आज तू मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। जिस तरह से तू और तेरे साथियों ने मेरे दोस्त को पकड़ मारना, उससे कई गुना भयानक मौत मैं तुझे दूंगा साले। बस एक बार तू मेरे सामने आ, फिर देखना मैं तेरा क्या हाल। रॉकी कुत्ते, तुमने मेरे दोस्त को मारा साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे साले, तू ही खाना है। ठीक है, तेरा हिसाब किताब मैं बराबर करता हूँ इस बार। छोड़ साले, छोड़ कुत्ते। इतने दिन से तूने बचा हुआ है, लेकिन आज तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। तेरी को आज मैं तुझे बर्बाद कर डालेगा इस दिन पे। पहले तुम मेरे दोस्त को मार, अब मुझे मारना चाहते हो? मार दे तो अकेला लड़ साले, अकेला लड़। Oh.